सुप्रभात मेरे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है। इस वीडियो में हम लोगों को स्वर संधि के जो दो भेद बच गए थे उसके बारे में पढ़ना है। कुछ प्रीवियस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। उस पांच भेद में हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। यह क्लास 6, 7, 8 के लिए है। देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है चौथा, वृद्धि संधि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो आखिर वर्ण कैसे बढ़ेंगे? देखिए, वृद्धि संधि में ए और औ, ए के ऊपर एक मात्रा है, औ। देखिए, जिस संधि में ए औ का निर्माण होता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक योग एक, योग मीन्स प्लस, जोड़, जैसे समझिए आप, एक योग एक बराबर एक एक। ध्यान दीजिए, धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले क है और जिसके नीचे उच्चारण करेंगे तो किस चीज़ का बोध होगा? औ का। धनात्मक चिन्ह के ठीक बाद ए है, ए के नीचे उच्चारण करेंगे किस चीज़ का बोध होगा? ए का। तो औ और ए मिलकर ए बना। अब हम इसे देखते हैं सूत्र के रूप में। देखिए, ए का निर्माण, एक औ में एक ए को मिलाते हैं तो ए बनता है, एक योग एक बराबर एक एक। दूसरा है आ प्लस ए, आ योग ए बराबर ए, सदा जोड़ एव सदैव। तीसरा है अ जोड़ ए बराबर ए, परम जोड़ ऐश्वर्य, धन संपत्ति, परम जोड़ ऐश्वर्य बराबर परमैश्वर्य। चौथा है आ योग ए बराबर ए, गंगा जोड़ ऐश्वर्यम बराबर गंगेश्वर्यम। ठीक है, देखिए, धनात्मक चिन्ह के ठीक पहले याद रखना है आपको, ये तो वर्ण दिया ही रहेगा, ये दिया रहेगा, आपको इसके नीचे उच्चारण करना है। जैसे गंगा, तो गा के नीचे क्या बचा? आ। और यहाँ देखिए आ, ए, तो यहाँ पर ए, मतलब आ और ए के मिलने से ए बना। अगर आपके पास, आपके सामने प्रश्न आए कि एक एक का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या लिखेंगे? एक योग एक। किस संधि का उदाहरण है ये? वृद्धि संधि का। और वृद्धि संधि किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का। देखते हैं दूसरा, औ का निर्माण, एक अ में एक ओ को मिलाते हैं तो बनता है औ। ठीक है, देखिए औ, इन सभी में औ औ बनेगा। एक अ में एक ओ मिला तो बना औ, ऊपर में ऐसे भी लिखा हुआ है, वन जोड़ औषधि बराबर वनौषधि, वन की दवा, औषधि मीन्स दवा। आ योग ओ बराबर औ, महाजोड़ औषधि महौषधि, बहुत महान दवा। अजोड़ औ परम जोड़ औदार्य परमौदार्य, मतलब बहुत उदार चरित्र वाले, बहुत विशाल हृदय वाले को परमौदार्य कहा जाता है। आ योग औ बराबर औ, महाजोर औषधि महौषधि। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी है महाजोर औषधि, यहाँ पर भी है महाजोर औषधि, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ये दोनों का अर्थ होता है दवा। अब हम लोग अगला स्वर संधि का अंतिम भेद देखते हैं, अयादि संधि। जिस संधि में ए बराबर ए बराबर आए, ओ बराबर औ बराबर औ होता है, ये बहुत ही आसान है, उसे अयादि संधि कहते हैं। फिलहाल एक उदाहरण देखिए, जैसे नयन, नयन का संधि विच्छेद किया गया ने जोर अन। यहीं पर देखते हैं हम लोग, ने के नीचे किस चीज़ का मात्रा होगा? ए का। ठीक है, तो ए किस चीज़ में बदलने वाला है? ए में। तो जब ने बदलेगा ए बदलेगा ए में, तो ने बदलेगा नए में। ठीक है, और नए में इस अन को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? नयन। ठीक, देखिए इसके बारे में विधत रूप से देखते हैं हम लोग।
अयादि संधि के उदाहरण नियम सहित। देखिए ए बराबर ए, तो एक वर्ण मिला ने, तो ने बराबर क्या होगा, नए। हमारा मूल सूत्र यही है कि अगर ए है तो उसको ए के रूप में बदलना है, तो ने के रूप में क्या बदलेगा, नए। अर्थात अगर प्रश्न मिला कि नयन का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या संधि विच्छेद करेंगे, ने जोड़ अन, क्योंकि ने बराबर क्या हो जाएगा, नए, और ने में अन जोड़ेंगे तो बनेगा नयन। दूसरा देखते हैं आए बराबर आए, तो गए बराबर गाए। देखिए ग पर जब दो मात्रा हो ऊपर तो समझिए कि आए है, मतलब छोटी ए बड़ी ए जो होता है तो वो बड़ी ए, तो गए बराबर गाय। ये हम लोग उदाहरण बनाते हैं, गाय में अगर क को जोड़े तो क्या बना, गायक। प्रश्न आया कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में गए जोड़ अक, गए बदल जाएगा गाय में, और गाय में अक जोड़ेंगे तो बन जाएगा गायक। आगे देखते हैं ओ बराबर औ, फॉर्मूला है ओ बराबर औ, तो बनेगा भो बराबर क्या होगा, भव, तो भवन। प्रश्न है भवन, तो भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भो जोर अन, बन गया भवन। अगर आपको मिलेगा पो जोर अन, क्या लिखेंगे, पो बदल जाएगा किस में, पौ में, और पौ में अन को जोड़ेंगे तो बनेगा पवन। अंतिम है आओ बराबर आओ, तो आपको लिखा गया राव बराबर राव। अब एक रावण, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, रावण, राम रावण। अब राम भगवान थे और रावण भी ज्ञानी ही थे, मगर अपनी दुष्प्रवृत्ति के कारण इनका नाम जब भी लिया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस का नाम लिया जा रहा है। देखिए राव बराबर राव, रावण। खैर हम लोग उदाहरण देखते हैं व्याकरणिक रूप में, तो यह बना राव जोर अन। ठीक है, तो हम लोगों ने संधि के यह तीन वीडियो में क्या क्या देखे, संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि के पांच भेद के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।